हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइन विद मीनाक्षी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको होली स्पेशल ये मल्टी कलर की पोशाक बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए आपको कोई भी मल्टी कलर का कपड़ा या फिर जयपुरी प्रिंट का कपड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अस्तर का कपड़ा, लेस, टिश्यू, रिबन, इन सब की ज़रूरत होगी। ये पोशाक बनाना बहुत आसान है और बहुत ईजी वे में आपको इसे बनाना सिखाऊंगी। और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप किसी भी साइज़ के गोपाल जी के लिए पोशाक कैसे बना सकते हैं, कितना मेजरमेंट आपको लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये पोशाक बनाना सीखना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ये ब्यूटीफुल पोशाक बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पोशाक बनाने के लिए मैंने 4.5 इंच चौड़ी और 40 इंच लंबी एक पट्टी जयपुरी प्रिंट के कपड़े में से कट कर ली है, और सेम साइज़ का मैंने ये अस्तर का कपड़ा भी कट कर लिया है। ये देखिए, ये पोशाक मैं 4 नंबर के गोपाल जी के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसका मेज़रमेंट मैंने इतना लिया है। और अगर आपके गोपाल जी का साइज़ ज़्यादा या कम है तो आप इस मेज़रमेंट चार्ट में अपने गोपाल जी के साइज़ नंबर के अकॉर्डिंग कपड़े की लंबाई और चौड़ाई देख लें और ये पट्टी कट कर लें। इसमें मैंने चोली की लंबाई और चौड़ाई भी लिख दी है और कमर हमारी कितनी तैयार रहनी है वो भी मैंने इसमें लिख दी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। और ये पट्टी कट करने के बाद जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँ वैसे वैसे आप करते जाएँ तो आप किसी भी साइज़ के गोपाल जी के लिए पोशाक बहुत ईजिली बना लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम पोशाक बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, हम सबसे पहले इन दोनों कपड़ों को आपस में अटैच करेंगे। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से सीधी साइड से रखेंगे और इसके ऊपर हम इस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे, और ऐसे रखने के बाद किनारे किनारे सिलाई लगाकर इनको आपस में अटैच कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। अटैच करने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद किनारे किनारे सिलाई लगाकर इनको अटैच कर लेंगे, और इसी तरीके से इसके चारों साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से ये पट्टी तैयार करने के बाद अब मैंने ये लेस ली है, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लगाऊंगी, बिल्कुल हल्का सा बाहर की साइड इस तरीके से निकालते हुए हम इसको यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये लेस अटैच करने के बाद अब मैंने ये गोल्डन कलर का टिश्यू रिबन लिया है, इसकी हेल्प से हम इसकी साइडों को लॉक करेंगे। तो ये देखिए, लगभग 1/2 इंच इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, और ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से इसको रखेंगे, आधा नीचे की साइड आधा ऊपर की साइड, और ऊपर वाले पोर्शन को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे सिलाई लगाकर दोनों साइडों को लॉक कर लेंगे। Thank you.
तो इस तरीके से ये पट्टी तैयार करने के बाद अब हम इसको प्लेट डालकर तैयार करेंगे। तो प्लेट देखिए किस तरीके से बनानी है। इस तरीके से प्लेट उठाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, दूसरी प्लेट उठाएंगे और इसके जस्ट बराबर में इस तरीके से रख देंगे। आधा इंच से भी कम की गैप होना चाहिए दोनों प्लेटों के बीच में। और प्लेट डालते हुए हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमारा जो ये वाला पोर्शन है यानी कि ये वाली साइड है, ये बिल्कुल इक्वल रहनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। इस साइड से भले ही हल्का फुल्का ऊंचा नीचा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस साइड से इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से प्लेट बनाते जाएंगे और यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगाते जाएंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। तो इस तरीके से ये घेर तैयार करने के बाद अब हम इसकी चौली बनाएंगे। तो चौली बनाने के लिए मैंने 9 इंच लंबी और 1.6 इंच चौड़ी एक पट्टी इसी जयपुरी प्रिंट के कपड़े में से कट कर ली है और सेम साइज़ का मैंने ये अस्तर का कपड़ा कट किया है। हमें क्या करना है, इसके ऊपर इसको इस तरीके से रखना है और चारों साइड सिलाई लगाकर अटैच कर लेनी है और दो साइडों को टिश्यू रिबन की हेल्प से लॉक करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये पट्टी तैयार कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और ऐसे फोल्ड करने के बाद बीच से इसको कट कर लेना है। अब इसके तीन पार्शन करने हैं, ये एक और ये दो। इस तरीके से इसके पार्टीशन करने के बाद अब हम इसके एक हिस्से में निशान लगा लेंगे। अब इसको दूसरे पीस के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और ऐसे रखने के बाद यहाँ से तिरछी सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगानी है, इस निशान तक लगानी है। तो चलिए लगा लेते हैं। अब ये सिलाई लगाने के बाद इस पोर्शन को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये हम आर्म होल बनाएंगे इस तरीके से, तिरछी सिलाई लगाकर दोनों साइडों में स्लीव्स बना लेंगे। तो इस तरीके से ये चोली बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे अपने घेर के साथ में अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ लगभग आधा इंच का गैप देते हुए यहाँ सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। Thank you.
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पोशाक बनकर तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पोशाक और मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आई और आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।